जनाब इस्लाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लियाकत अली की हाल है? ठीक ठाक जी सर। लियाकत अली कितों आए हैं? सर मैं फैसलाबाद हूँ। फैसलाबाद आए जी। की हो गया? मेरे कमर में दर्द हुई है 29 जनवरी को। अच्छा। 5 दिन पेन रही है, फिर मैं दवाइयाँ खाता रहा, फिर सही हो गई, फिर हो जाती सी दवाइयाँ खाता हट जाती सी। हाँ। लेकिन मैं इस रोजा 18 तरीक न मैं फिर दोबारा पेन ज्यादा हो गई। अच्छा। तो वो ज्यादा होंगी गई, मैं रोज़ा भी रखता सी नाल पेन की गोली खा लेता सी। हाँ। फिर उस तो बाद मैं थोड़ा वीडियो देखा, तो थोड़ा एक दुबई का प्रोग्राम सीगा, मेरा देख के वीडियो मुतमिन होया जेर कि मैं इतने पहुंचा एक बार, मैंने इन्नी तकलीफ आ। तो बिच मैं दोस्त कह लगे कि फेक भी हो सकता, मैं क्या यार नहीं, जेड़ा इन्ना वो दुबई भी गए आप उत्थे भी प्रोग्राम इन्होंने तो डर सुनया, तो यकीन जहा होगा कि मैं इन्होंने को एक बार पहुंचा। अज मैं आया, जो आया से मैं बाहर तुम देखे जी, वो तो कंडीशन की सी मेरी गली में सब पूरा नहीं सी आंदा है, मैं हंसता सा थोड़ा थोड़ा। हां जी तुसी मुस्कुराए दली हसे, मैं हंसता क्यों सा? हां कि आफ्टर जेड़ा ना मैं उन्हें मिलांगा ते फिर मैनु आपदी हालत दसंगे, तो तुसी बैठे ते कहंदे जी मजदूरी सारे करदे आ, ते ओ फिर मैनु इस वास्ते कंफ्यूजन होई कि मैं मजदूरी लग गया, ते कहन लगे कि तुसी मजदूर नहीं। ओ जाय मोबाइल बंद करना, मैं दसना तुसी मैं गल की कीती है कि जेड़ा मोस्टली ना जेड़ा मरीज हुंदा है ना, मरीज जेड़ा मजदूर है ना दिहाड़ी करने वाला, उन्हें कमर दर्द जल्दी नहीं होती। नहीं सर मेरे, मैं अपने तजर्बे की गल करना, पहली बार हुई जिंदगी च, बस एक बार हो जाता। अच्छा ते हूँ की कंडीशन है? अलहमदुल्ला मैं ठीक हूँ। पहले तो हूँ का कि फर्क है? हूँ का ये नहीं समझ लो कि 100% ही हो गया, बस यही कोई दवाई शवाई तो नहीं दी? नहीं नहीं दवाई मैंने एक्सरसाइज कराई थोड़े डॉक्टर ने। डॉक्टर कैसे ने? डॉक्टर भी बहुत अच्छे ने, कोई तकलीफ नहीं दी है अलहमदुल्ला। मैं दोस्तों ना माहौल रख दे? बिल्कुल दोस्तों ना माहौल, मर्ज नु समझ दे ने? मर्ज नु समझ दे, मेनू तकलीफ हो मेरी रफा हो गई, मैं ये कहना कि जिस बंदे ने भी तकलीफ हो ना नहीं आना चाहते तो सर ए जो वैसे दस दियो बोल के जदों ये आए सन तुसी ना नाल आयो जी जी, जदों ये आए सन इन्हां दी की कंडीशन सी कि बेहतर ने? नहीं काफी अब बेहतर ने हैं, पहले तो रोन वाले हो गए सा तकलीफ ना रोना सा जी। मैं रात को 1:30 बजे तक 2-2 बजे तक मैं रोना, जो दर्द होंदी है बहुत ज्यादा तकलीफ सी, रोजे रखता हूं, लेकिन आज मैं फिर रोजा छड्या, मैं उन सफर दे विच आना सीगा। नाम भूल गया थोड़ा? मेरा नाम लियाकत अली है, मैं फैसलाबाद रहने वाला। केड़ी जगह फैसलाबाद? फैसलाबाद हाजियाबाद। हाजियाबाद जी। मेरा नंबर हैगा अगर किसी बंदे नु जरूरत भी होवे 0307-1275-879 मेरा नंबर है, मेरे को رابطہ انہاں دا کرا سکدے ہو۔ اچھا منوے تسی دسو جناب کہ جڑے دوست ہے باپ تانوں ویکھ رہے نے جویں تانوں ایک دوست نے کہا یار فیک بھی ہو سکدا ہے، کی پیغام دیو گے لوگاں؟ میں انہاں نوں اے پیغام دینا چاہنا کہ یار اللہ تعالی نے انہاں دے ہتھوں شفا لکھی ہے کہ بہت اچھے نے ٹریٹمنٹ کر دے، اور مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے گی، ڈاکٹر نے ایک ایکسرسائز کرا کے تے میرا مسئلہ حل کرتا कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें। बस नसीहत है नहीं है कि अपना खान पीन जिहड़ा है ना वो क्लियर रखना है, ठंडी चीज नहीं खानी, शोरबा कावा सूप यखनी शोरबे वाले साधन चावल गोभी बड़ा गोश्त नहीं खाना, ठंडिया चीजा बादी चीजा तो ज्यादा दूर रहना, कब्ज नहीं होने देनी, बाकी देसी घ्यो थोड़ा जो ठंडिया चीजा खाओगे तो फिर कब्ज होगी, ठंडी चीजें छड़ दोगे कब्ज नहीं होगी, देसी घ्यो इस्तेमाल करो, जैतून का तेल इस्तेमाल करो, मक्खन इस्तेमाल करो, दुध इस्तेमाल करो, चीजा इस्तेमाल करो जनाब, तो दवाई की लोड़ ही नहीं पेगी। यार मैं की आखा इस बंदे यार, उन्हें पता भी है कि मैं ऑनलाइन बैठा इलम ही मलक साहब है, लेकिन फिर भी मैंने तंग करना यार। खैर अल्लाह शफावां देने वाला, तुम अपना खान पीन जनाब नीम गर्म रखना है, ठंडी चीज तो बचना है, ठंडे मौसम तो बचना है, जिसम तेल की मालिश करो, चंद दिन ना सोवो, फिर जो मर्जी करो। 40 साल तो टप गया हो ना, 50 साल जो 40 साल तो टप दे तो मां के दुध की ताकत खत्म हो जाती, मेडिकल साइंस कहती कि बोन मैरो क्लोज हो जाते हैं, ते तुहाडा रेड सैल जिहड़ा है ना तुहाडे परहेज नाल ते गज़ा नाल बनना है, तुहाडा खून जिहड़ा है तुहाडे परहेज नाल तुहाडी गज़ा नाल बनना है, तुसीं ठंडियां चीज़ां नहीं इस्तेमाल करनी, तुसीं शोरबे वाली लिक्विड फॉर्म में चीज़ां इस्तेमाल करो, वो खाने खाओ
जिहड़े बचपन तुहाडी वालदा बनांदी सी उस तरह दे खाने होने चाहीदे ने। दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है ना भाई, तरक्की गड्डियां कोठियां कारां कपड़े बंगले हर चीज की तरक्की है भाई, खाना ओही इस मशीनरी वास्ते होवे ते तंदुरुस्त रह सकदी है, ते जे लेटेस्ट खाना तुसी खाओगे फिर तंदुरुस्ती नहीं है जनाब। दोस्तों इल्तिजा है कि जनाब ए हां बोलो, जड़ा ना इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ है, अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती देवे। मैं देखिया तुहाडा प्रोग्राम, मैं आया और मैं जिस तरह तुहाडा सुनिया सी ना मैं उस तरह ही पाया, मैं हसना सबू इसलिए तो तुम देखिए कि तुम तकलीफ चो आकर तुम हसोगे। मैं दोस्तों नू यह कहना चाहवागा कि जिन्हें भी दोस्त है बाप ने जिन्होंने दर्दा ने चाहे जोड़ा दिया दर्दा ने चाहे शैडिक है चाहे कोई भी दर्द है वो लिक्विड फॉर्म में चीज़ा शुरू कर दे, शोरबा कावा सूप यखनी देसी घ्यो इस्तेमाल करो, जैतून इस्तेमाल करो, दुध ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह दवाइयां की जरूरत नहीं पेगी। वमा अलैना इल्लल बलागु, खुश जाना जनाब मौली साहब, खुश जाना, अल्लाह हाफिज़।